नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। दोपहर वार में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। 5 जजेस की बेंच ने बहुत अहम फैसला दिया है एडल्ट्री को लेकर, यानी विवाहेतर संबंधों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया है और ये एक बहुत फैसला है। एक तरह से इसको प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट माना जाए तो, अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडल्ट्री यानी विवाहेतर संबंध अब अपराध नहीं है। इससे पहले जो 497 थी, 497 धारा को खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो लगभग 150 साल पुरानी धारा थी और उसको खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एडल्ट्री कानून मनमाना है, ये महिला की सेक्सुअल चॉइस को रोकता है और इसलिए असंवैधानिक है, और महिला को शादी के बाद सेक्सुअल चॉइस से वंचित नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आईपीसी की धारा 497 थी, इसमें पुरुषों को ही अपराधी माना जाता था और महिला को विक्टिम माना जाता था। दरअसल जो याचिका दाखिल की गई थी उसके तहत भी यही कहा गया था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में जेंडर विषमताएं नहीं है, यानी लैंगिक विषमताएं नहीं है, इस चीज का हवाला दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि 497 के तहत जो कानूनी प्रावधान हैं वो पुरुषों के साथ भेदभाव करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें दोषी पाए जाने पर पुरुषों को सजा का प्रावधान था, जबकि महिलाओं के लिए नहीं था। तो इसको खत्म कर दिया है, यानी 5 जजेस ने 497 धारा को खत्म कर दिया है। आज की तारीख में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट है, लेकिन उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि विवाहेतर संबंध तलाक के लिए एक ग्राउंड बन सकता है, तलाक के लिए आधार हो सकता है, लेकिन इस पे सजा का या ये अपराध नहीं है, इसको अपराध नहीं माना जा सकता है। बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा पैनल भी हमारे पास एक्सपर्ट्स का, जो इस विषय से जुड़े हुए हैं और इस पर अपनी एक्सपर्ट राय रखते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय करा दें। ताहिरा हसन जी, जो कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस तरह के तमाम केसेस लगातार हैंडल करती रहती हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो वर्डिक्ट है उससे कितना फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ प्रतीक सोम साहब दिल्ली स्टूडियो से हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रतीक सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लेलिन, जो कि एडवोकेट हाईकोर्ट हैं लखनऊ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप सिंह, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ वकील भी हैं, वो भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वार और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट सुनाया है कितना प्रोग्रेसिव है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे पहले कि डिबेट की शुरुआत करें, इस पर वर्डिक्ट आने के बाद रिएक्शंस जो आए हैं वो रिएक्शंस अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये फैसला सरासर उचित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने पिछले कुछ महीनों से कई अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, जिसकी कड़ी में आज का फैसला भी है, से ये सिद्ध हो गया है कि कानून को अगर हम एक और मोड़ें या मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मोड़ें या एक नया पहनावा या पहचान इंसान के अधिकारों को दें तो ऐसा किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने सिद्ध कर दिया। हमारे जो मूल अधिकार हैं संविधान के तहत, चाहे अनुच्छेद 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी का हो, या बोलने की स्वतंत्रता हो, जीवन के ऊपर हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी हो, तो इनमें भी आप देखेंगे अलग अलग जजमेंट्स, उन्हें समाज के साथ, बदलते समाज के साथ, उनमें भी नए नए इंटरप्रिटेशन आते हैं। तो आज जो जजमेंट आया है उसे उसी रूप से देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि हर जजमेंट जो है वो कानून बन जाता है, उसका स्वागत इस रूप से तो सबको ही करना चाहिए। One would say that it is unconstitutional and it is some relief for women, but you know this is going to have you need to look at it in a macro level vision also to see
how the law will be interpreted and used against people. Adultery is actually consensual sex between two adults. So when that is there, that two adults some age, adults as such, are mature enough to take that decision and they do what they want, then it comes down, now we'll have to see how the police will treat people they pick up in hotels and bars. That is also sex with consent. So how does that interpret by law? सुप्रीम कोर्ट की पांच मेंबर बेंच ने आज 497 आईपीसी एडल्ट्री को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो है परिवार का और बच्चों का, वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 497 को ख़त्म करके हिंदुस्तान में पूरे मैरिज के कॉन्सेप्ट पे एक अटैक कर दिया है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से यही कहा था कि आप इसको मत करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मंशा क्या थी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। सबसे पहले रुख करते हैं प्रतीक सोम, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त क्या क्या चीजें हाईलाइट की और आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, जो सेक्शन 497 अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता था, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। उसका बेसिस बिल्कुल सिंपल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ आर्टिकल से गाइड होता है, जैसे आर्टिकल 14 और 21, जिसके अंदर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं जी। और आज हमारा कोई भी, चाहे कानून हो चाहे कोई भी सामाजिक संरक्षण हो, उसके अंदर आदमी और औरत को इक्वल दर्जा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब इक्वल फुटिंग की बात होती है तो एक ऐसी जगह पे हम क्यों एक ही आदमी को, एक ही जेंडर को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ला रहे हैं और एक जेंडर को नहीं ला रहे। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इक्वल फुटिंग पे नहीं है, तो 497 स्ट्राइक डाउन किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सिविल ऑफेंसेस के अंदर, जैसे कि जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके अंदर 497 इज अ ग्राउंड, अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर गेटिंग अ डाइवोर्स। लेकिन ये आप ये देखिए, अगर हम बैकग्राउंड देखें जी, पिछले 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद हमारा जो 377 को स्ट्राइक डाउन किया गया है, आज 497 को स्ट्राइक डाउन किया है। तो हमारा जो सोसाइटी है वो एक बदलाव की तरफ जा रही है। हमारे जो कानून बने हुए हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, जिसके अंदर बहुत चाहते हुए भी पॉलिटिकल विलिंगनेस जहाँ पे नहीं है, उसके अंदर उन कानूनों के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल इसका है, जिसके अंदर सदियों से औरत को एक ऑब्जेक्ट माना गया है। तो उसके कारण ये जो हमारे कानून बने हैं उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज आना बहुत ज़रूरी था। आज ये एक बहुत बड़ा दिन है, 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल शुरू से ही था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा प्रतीक जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट उसमें बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही है कि अडल्ट्री अपराध तो नहीं होगा, लेकिन पत्नी अगर अपने लाइफ पार्टनर के व्यभिचार की वजह से खुदकुशी करती है तो सबूत पेश करने के बाद इसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चल सकता है। देखिए, वो एक अबेटमेंट का अलग मुकदमा है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर सम अदर ऑफेंस, किसी और ऑफेंस के लिए ग्राउंड हो सकता है। तो अगर कोई पत्नी डिस्कवर करती है कि उसका हस्बैंड किसी और संबंध में किसी और महिला के साथ है, और इस वजह से अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, तो इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, जो अबेटमेंट टू सुसाइड का एक अलग आईपीसी में ऑफेंस है, उसके लिए ये ग्राउंड जरूर है कि अगर आपके हस्बैंड के किसी और के साथ संबंध है तो वो ही कैन बी ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस डेफिनेटली। ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, इससे पहले कि अपने और भी जो मेहमान बैठे हैं, जो कि वकील भी हैं और वकालत में अच्छा दखल है उनका, उनके पास जाएं, आपसे जानना चाहते हैं एक पॉइंट जो रेणुका चौधरी जी ने उनके बयान में मैं सुन रहा था, और दूसरा पॉइंट
जो आभा सिंह ने कहा था, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका चौधरी का ये कहना था कि इसको अब ये देखना पड़ेगा कि चलिए 497 तो हटा दिया, लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका दोनों विवाहित हैं लेकिन विवाहितर संबंध बनाने के लिए किसी अन्य जगह पे जाते हैं, जैसे तमाम केसेस आते हैं होटलों में या कहीं भी, तो उस वक्त जो लोकल पुलिस है उसका क्या रुख होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। और दूसरी एक बात उन्होंने पॉइंट आउट की है कि परिवार नाम की संस्था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, परिवार नाम की जो संस्था की बात किया आभा सिंह ने, मेरा ये कहना है कि परिवार में जब महिला पिट रही होती है तब तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, बिल्कुल, और जब डावरी के लिए जला दी जाती है तो परिवार रहता कहाँ है। परिवार तो प्रेम से चलता है, अगर कहीं प्रेम नहीं है उनके बीच में या वो नहीं रहना चाहती, जिसे डिवोर्स भी ले सकती है या किसी और से वो कंसेंट के साथ कर रही है, तो जाहिर है मेरा मानना था कि सिर्फ पुरुष को क्यों दंडित किया जाए। बिल्कुल, पुरुष को ने दोनों उसमें रिस्पॉन्सिबल है और वो अलग जाके रह सकते हैं, वो अपनी पत्नी से बता सकता है। डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, बिल्कुल धोखा नहीं होना चाहिए, डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन औरत का ये कहना पहले लॉ में, जिसको किसी ने नहीं कहा, मेरा कहना है कि अगर पति उसको अप्रूव करता है, जो अभी लॉ चल रहा था 158 ईयर्स ओल्ड लॉ जो हमारा ब्रिटिश एरा का चल रहा था, उसमें अगर पति अप्रूव करता है तो ये ऑफेंस नहीं है। तो ये तो वैसे ही हो गया, प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी है हम किसी को दे दे, यानी औरत जो है वो सोल्ड की जा सकती है, खरीदी जा सकती है, दी जा सकती है, और जब मनो वापस ली जा सकती है। कोर्ट ने इस बात को इंगित भी किया था कि पति मालिक नहीं है पत्नी। तो ये जो यहाँ आज इस पे बात नहीं की ना आभा ने की ना रेणुका जी ने की, कि जो एक क्लियर सिग्नल दिया है, बहुत साफ मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि औरत की डिग्निटी का भी मसला है। औरत की डिग्निटी पे असॉल्ट था वो, कि जहाँ पुरुष, जहाँ बहुत सी जगहों पे पति अप्रूव करते थे, यूज करते थे पत्नियों को, बहुत से केसेस हैं जहाँ यूज करते हैं, तो वहां पे क्या ये सही था? तो ये पूरी तरह से हम, मुझे लगता है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है। प्रिंस लेनिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हाईकोर्ट। प्रिंस लेनिन, आपसे रिएक्शन चाहेंगे और आप किस नजरिए से देखते हैं? वो चाहे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का हो, चाहे अगर आपका किसी एक का राइट वॉयलेट हो रहा हो, तो भी इस केसेस में ज्यादातर देखने को आता था कि ये एक तरफा कहीं ना कहीं कार्रवाई चलती थी, महिला का शोषण, जैसा कि अभी तक जी ने बात रखी, उनका पॉइंट एकदम सही था कि हस्बैंड की अगर उसमें कंसेंट है तो क्या महिला के साथ ये चीज अलाउ की जानी चाहिए। वहीं इसका जो दूसरा एक पक्ष था कि अगर कंसेंट नहीं है लेकिन अगर किसी केस में शिकायत होती तो क्या खाली पुरुष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो दोनों ऐसे पहलू इसमें जो जुड़े हुए थे उसको मद्देनजर रखते हुए जो ये आज वर्डिक्ट दिया गया है, कहीं ना कहीं से एक साफ गुजारी लाता है। और देखिए कि कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे एडल्ट्री को खत्म किया जा चुका है। यूरोपियन कंट्रीज में शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो, यूनाइटेड स्टेट्स में मात्र कुछ 21 स्टेट्स में ये प्राविधान है लेकिन इसका इस्तेमाल यदा कदा ही रहा है। तो जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट है और जिस तरह से सोसाइटीज आज आगे बढ़ रही हैं, आप कंसेंट पे अपराधों को दूर कर रहे हैं, अगर दो पक्ष सहमति से अपना एक रिश्ता निभा रहे हैं तो उनके में इस चीज को अपराध डालना वो न्याय की दृष्टि से उचित नहीं समझा गया है, तो उसको खत्म किया गया है। हमारे साथ कहीं ना कहीं एक जो आज एक खुलापन सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है उसको जो एक सुरक्षा दी जा रही है और एक रिकॉग्निशन पहचान दी जा रही है कि ये टैबू नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, उस चीज को कहीं ना कहीं आज कोर्ट ने इंगित किया है। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं। प्रदीप सिंह, पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहता हूं। 497 ये जो धारा थी, आपके नॉलेज में तमाम ऐसे केसेस होंगे जिसमें कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हुआ, इसलिए कि देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर पति और पत्नी, अगर उसमें से पत्नी का संबंध, विवाहितर संबंध उसके प्रेमी से है, तो फाइनली अगर जैसे ही पति को पता चलता है, उसके बाद विवाह नाम की संस्था का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है खासतौर से हिंदुओं में, कि कहीं ना कहीं वो
झगड़े के बाद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ जाती है और उस समय वो दबाव भी बनने लगता था पति की तरफ से कि प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और 497 का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह के तमाम मिसयूज के केसेस आपके सामने आए होंगे। रमन देखिए आईपीसी की कई धाराएं ऐसी हैं जिसका मिसयूज आप लगातार समाज में देखते होंगे और इसको भी हम निश्चित तौर पर आईपीसी की ये 497 जो धारा है वो निश्चित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का समर्थन नहीं करती, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब आप इस पर एक विमर्श करते हैं और ये चीज़ें निकल कर आती हैं तो आप ये देखें जब आप इसको आप हटाने की बात करते हैं, हाँ ये बात जरूर है कि लॉर्ड मैकाले जिन्होंने आईपीसी लिखी उनके मन में भी ये बात थी कि 497 जैसी धाराएं नहीं होनी चाहिए जो पति पत्नी और वो ये जो संबंध है इस पर ये अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, ये उनके दिमाग में भी बात थी। लेकिन जब वो भारतीय परंपरा में आते हैं भारतीय परिवेश में आते हैं तो भारतीय परिवेश जो है एक पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा हुआ परिवेश है। अब आप जब इसमें देखते हैं हाँ निश्चित तौर पर जब ये एक चीज जिसमें जो खामियां हैं वो ये साफ साफ है कि अगर जो है आप सीधे सीधे इस धारा के तहत आप महिला को पुरुष की प्रॉपर्टी के रूप में देखते ये सहमत होता था सहमत होती थी ये धारा। लेकिन अगर आप इसको हटा ही देंगे इसको और ठीक तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए था। अगर आप इसको हटा ही देंगे तो समाज की तमाम परंपराओं की टूटने का भय भी बना रहेगा। हमें लगता है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी और वो महिला दोनों के जब संबंध होंगे तो परिवार की जो आगे वाली पीढ़ी है उनका अच्छा, क्या होगा। अच्छा, एक पर भी विचार होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन और यहाँ पर जो हमें लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय खामोश नजर आया। अच्छा एक चीज इसी से जुड़ा सवाल, चूंकि अभी उस तरफ इशारा किया था ताहिर हसन जी ने, उनका ये सीधा सीधा कंसर्न था कि अगर परिवार में विवाहेतर संबंध हो रहे हैं तो जितने केसेस आए होंगे उनमें से पति और पत्नी के बीच में वो ट्यूनिंग नहीं होगी तभी पति भी जा रहा होगा या पत्नी भी जा रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट जनरेशन उससे अगर प्रभावित हो रही हो तो अगर पति पत्नी में प्यार ही नहीं है सामंजस्य नहीं है तो परिवार तो फिर उसमें कानून क्या कर सकता है। नहीं रमन आप ये देखिए पत्नी को ये अधिकार नहीं था कि उसका पति किसी और से विवाहेतर संबंधों में है अगर है तो उनके खिलाफ उस महिला के खिलाफ वो FIR लिखा सके, ये अधिकार भी पत्नी अगर उस महिला को नहीं है तो हमें लगता नहीं है कि महिलाओं को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसमें आप विवाह संबंधों और इन परंपराओं के टूटने की बात कहाँ से आती है। निश्चित तौर पर कुछ हिस्से तक इसका सम्मान किया जाना चाहिए, ये निश्चित तौर पर इन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय को थैंक्स देना चाहिए। लेकिन जब परिवार और कई विघटन की स्थिति आती है तो उस पर समीक्षा कपीश जी से एक रिएक्शन लेंगे उसके बाद ताहिरा जी से बात करेंगे। कपीश जी आपका रिएक्शन। जी नहीं, सबसे पहले चीज ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 150 साल पहले जो कानून बना और डिस्पैरिटी क्रिएट करता था संविधान के अनुच्छेद 14 का और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी इसका हनन हुआ करता था और सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्डिक्ट आज के परिस्थितियों में दिया है वो उसका वेलकम है, लेकिन इसका पार्टीली ही वेलकम किया जा सकता है क्योंकि अभी मैंने पूरा वर्डिक्ट नहीं पढ़ा है कि मैं उसकी में पूरी तरीके से अपनी बात कह सकूं। लेकिन एक चीज़ तो है कि आपकी सोसाइटी के अंदर उठते बैठते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, आपके देश के अंदर सिचुएशंस कैसे हैं, आप अपनी महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जो अमेरिका के अंदर होता है वो भारत के अंदर नहीं हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसको देखा जाना चाहिए था, हमको लगता है कि उसको किसी भी तरीके से ओवरलुक कर दिया गया है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये विवाहेतर संबंध यानी जारकर्म की बात है, एडल्ट्री में हमेशा पुरुष ही दोषी हुआ करता था और महिलाओं के ऊपर जो है वो दंड नहीं हुआ करता, इसीलिए तो उसको खत्म किया है। नहीं वही तो बता रहे हैं, इसका सकारात्मक पहलू अगर आप देखें तो अगर आप दोनों के ऊपर पेनल्टी कर देते तो मेरे समझ से ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस तरह से स्वच्छंदता नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो स्वतंत्रता तो परिधि में होती है लेकिन स्वच्छंदता ये तो स्वच्छंद कर दिया गया। मेरा मानना है कि परिवार जो है वो बांध के नहीं चलता, क्योंकि आपने एक बताया उसका एक एंगल, देखिए हम लोग भी देखते हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है वहाँ बच्चे किस तरह से किस साइकोलॉजी से गुजर रहे होते हैं उस पर तो बात ही नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये मानने में ही हमारे पुरुष प्रधान समाज को बड़ा समय लगा, तब जाके कहीं सांसदों ने संसद में बनाया, 2005 में आया ये एक्ट। तो इसका जो इफेक्ट बच्चों पे होता है, साइकोलॉजी उनकी जो होती है, आप देखिए किस ट्रॉमा से वो बच्चे गुजरते हैं और वो सोसाइटी में क्या करते हैं आगे चल के, वो सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस ही करते हैं। हमारे साथ प्रतीक सोम जुड़े हुए हैं। इसको समझने की जरूरत है कि शादी बांध के रखने की चीज नहीं है, बिल्कुल महिला को प्रताड़ित कोई प्रॉपर्टी बांध के रखे, भाई डिवोर्स का है सामने ना, डिवोर्स अगर और ज्यादातर महिलाएं ऐसा नहीं है कि परिवार तोड़ देंगी,
आज भी भारत में महिलाएं जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, अपने घर जिसको कहते हैं घोंसला, उससे बड़ा प्यार करती हैं। आज भी इतनी आसान नहीं है कि ये कानून भर से वो अपना घर तोड़ देंगी। बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं की बात है, जो महिलाएं प्रताड़ित है नहीं रहना चाहती, अधिकार नहीं होना चाहिए जो उस पुरुष से, उसके पति से जो महिला संबंध बना रही है उसके खिलाफ वो एफआईआर करा सके, ये अधिकार महिला को नहीं होना चाहिए। क्या इससे सहमत नहीं है आप? नहीं देखिए, बिल्कुल अपना पालन पोषण भरण का बोले, बात स्पष्ट करिए, नहीं अगर वो आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं पति रहना ही नहीं चाह रहा है पत्नी के साथ, या पत्नी नहीं रहना चाह रहा है पति के साथ, ये बहुत चाहती है तो ये अधिकार एफआईआर में लगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट अगर अलग रहना चाहते हैं एफआईआर कराना चाहती है तो ये अधिकार से मिलना चाहिए। एक मिनट एक हैरा जी एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए दर्ज कहां से एक मिनट परिवार जो संस्था है सुनिए मेरी बात मेरी बात सुनिए परिवार नाम की जो संस्था है सचमुच बांध के नहीं चल सकती। कंसर्न ये है, कंसर्न ये है कि अगर हस्बैंड व्यभिचारी है तो पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं पास मिलना चाहिए कि वो एफआईआर करा सके उस महिला के साथ। मेरी बात सुनिए, क्या एफआईआर कराने के बाद वो सुधर जाएगा? नहीं नहीं, एफआईआर सुधर जाएगा, क्या वो परिवार बच जाएगा? एक हत्यारे के खिलाफ जब हम एफआईआर कराते हैं तो क्या ये मान लिया जाता है कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है तलाक के लिए हम एफआईआर कराते हैं तो ये मान लिया जाता है वो तलाक नहीं करेगा? कोर्ट ने इसलिए तो कहा है कि वो तलाक का ग्राउंड हो सकता है, तलाक का ग्राउंड हो सकता है। प्रतीक सोन से पूछेंगे, अपराध हुआ है तो उसका अधिकार उस महिला को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसे भी अधिकार मिलना चाहिए, महिला कोई पुरुष की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रतीक सोम जी, प्रतीक सोम जी एक बहुत अहम सवाल है इस चर्चा में, ये अहम सवाल उठता है। और बात सही है, बात सही है कि परिवार को बांधने के लिए अफेक्शन होना जरूरी है, प्यार होना जरूरी है। अगर पति या पत्नी कोई व्यभिचारी है तो उसके खिलाफ एफआईआर या उसके खिलाफ क्रिमिनल अफेंस कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में प्रावधान दिया ही है कि अगर ये ग्राउंड बन सकता है तलाक का। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, ये आपसे फिर से जानना चाहेंगे। रमन जी देखिए, आप इस बात को समझिए, जब ये कानून फॉर्म हुआ उस वक्त जो वुमेन की एक पोजीशन थी सोसाइटी में 150 साल पहले, तब ये कहा जाता था कि वुमेन बहुत वल्नरेबल थी, जो एक पुरुष प्रधान समाज था वो जो चीज डिसाइड कर लेता था वो होती थी। बट आज आप 2018 की बात कर रहे हैं जहां नौकरी में औरत बराबर है, जहां पढ़ाई में औरत बराबर है, पूरे समाज के सारे चीजों में औरत बराबर है, तो ये एक पैरिटी नहीं बन रही थी 497 को लेके। जहां आप बात कर रहे हैं कि डाइवोर्स का ये ग्राउंड बनेगा, ये डाइवोर्स का ग्राउंड आज नहीं बनेगा, डाइवोर्स बहुत टाइम से अडल्ट्री को अडल्ट्री का ग्राउंड बहुत पहले से था। आज सेक्शन 13 के अंदर जो डाइवोर्स के ग्राउंड है अडल्ट्री उसमें है, नहीं मेरा ये कहना कि है उसमें प्रावधान है परिवार की बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। जी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात बोली कि जहां प्यार की बात है तो जी जहां प्यार की बात है ये 497 का ऑफेंस प्यार की वजह से ही शायद बन रहा है। जहां एक मैरिज के अंदर कोई डिससेटिस्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो उसी वजह से ही कोई वुमेन या मैन अपने अपने इस रिलेशनशिप से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक आदमी को तो प्रोसिक्यूट करें, एक को नहीं करें। और उसके बाद पार्लियामेंट के पास पूरा हक है, वो बना दे नया कानून। अगर वो परिवार को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो क्यों नहीं पार्लियामेंट एक नया एक्ट ले आती जिसके अंदर दोनों को प्रोसिक्यूट वो कर सके। अच्छा, हालांकि सरकार ने इसके अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, सरकार ने यही और इसके अंदर क्लियरली बोला कि दे वांट टू प्रिजर्व द फैमिली सिस्टम और definitely. इसको अपोज किया था, लेकिन आज मेरे हिसाब से सरकार की भी ये हार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रिंस लेनी से जानना चाहेंगे कि सरकार की जो दलील थी उसमें साफ लिखा था कि अडल्ट्री अपराध है और इससे परिवार और विवाह तबाह होता है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाया है। प्रिंस लेनिन, आज की तारीख में नारी बदल गई है, समाज बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, परिवेश भी बदल गया है। तो जैसा कि अभी हमसे आपसे कुछ ही देर पहले प्रदीप सिंह का ये कहना था कि शायद ये ज़्यादा बेहतर होता कि दोनों के पास अधिकार रहते, लेकिन धारा 497 ख़त्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आज की बदले हुए परिवेश में कितना प्रासंगिक है ये? देखिए, मैं इसकी प्रासंगिकता भी हूँ, उससे पहले जो प्रदीप सिंह जी का जो एक तर्क है तो उनके पास एक अभी ऑप्शन है, वो इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
वो इंटरवीनर बन के इसमें रिव्यू पिटीशन जो चीज उनको लगती है कि कोर्ट ने नहीं कंसिडर की है तो उनको अवश्य न्यायालय के संज्ञान में लेके जाना चाहिए और वहां जाकर के अपनी बात को रखना चाहिए ताकि हो सकता है कि उनकी बात को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट अपने इस निर्णय को बदले। जहां तक इसकी प्रासंगिकता का सवाल है उसमें अभी आप देखिए कि एक पक्ष ही कहीं ना कहीं पीड़ित रहता था। अगर शिकायतें होती थी तो खाली कार्रवाई जो थी वो पुरुष पे ही होती थी, महिला को उस अपराध से क्षम्य रखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो समानता के अधिकार की बात जो इस देश में जो संविधान में सर्वोपरि है, तो अगर किसी चीज में एक को हम कोई छूट दे रहे हैं तो उस छूट के लिए दूसरा पक्ष क्यों नहीं हकदार है। इस चीज को अगर आप अपने एक बड़े उससे सोचेंगे बड़े पैमाने पर तो कहीं ना कहीं आज जो जिस तरह से जजमेंट्स जो आ रहे हैं आप देखें, अभी 377 पे जजमेंट आया, अभी तक आप इस चीजों को किस तरह से समाज में देखते थे, लेकिन आज वही न्यायालय ने उसकी दो पक्षों में अगर सहमति है तो उसकी छूट दी है, हमको उसको एक्सेप्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाती कि समाज आज आपका किस तरह से बदल रहा। आज इतना व्यापक मीडिया इस तरह से नहीं फैला था जो आज है। आज हर घर में हर बच्चे की जेब में मोबाइल है, फोन है, उसमें हर तरह की चीजें हैं। किस देश में किस कोने में कहां क्या हो रहा है उसको हर चीज की आजादी है। बिल्कुल तो ठीक आज आप समाज को बांध के नहीं रख पा रहे हैं। पहले समाज थोड़ा बंधा रहता था क्योंकि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तानियों को नहीं पता होता था। आज हिंदुस्तान के लोग वही चाह रहे हैं जो बाहर भी विदेशों में मिल रहा है। अच्छा तो कपीश कहीं जी, ना कहीं जी आपका समाज जो है आज फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों से एक सवाल करूंगा, बारी बारी से आंसर लूंगा। 377 का जब मसला हुआ था उस समय तमाम चर्चा होती थी, सबके बीच में चर्चा होती थी कि अब सारी चीज़ें बिल्कुल खुलेआम हो जाएंगी, और इससे पहले एक जनरल जो परसेप्शन होता था उस कम्युनिटी के लोग कहीं भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते थे तो समाज का बाकी जो 99% तबका है वो बहुत हैरत की नज़रों से देखता था उनको। लेकिन ये जो फैसला आया उसके बाद से उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिली, बहुत ज़्यादा अधिकार मिले। अब कंसर्न ये, उसके बाद से भी हमने तो कहीं नहीं देखा कि रोड पे वो खुलेआम वो सारी चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस ये जो 497 वाला केस है उसको लेके भी आज सुबह से ये डिस्कशन हो रही है कि इसका भी समाज पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता गलत प्रभाव पड़ेगा। आप लोग का वर्षन जानना चाहता हूँ मैं। प्रदीप जी, रमन जी, देखिए निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय एक विषय पर फिर भी खामोश है। आप ये बताइए कि पति और पत्नी माँ का जो बेहतर संबंध होने के बाद जब अपने अपने प्रेमी के साथ वो अगर अलग घर बनाती है, अलग रिश्तों में जाती है, तो उन बच्चों का क्या होगा, उनके उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय खामोश है, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय को अपना वर्डिक्ट देना चाहिए था। ये हमारा बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए महिलाओं में मेरा काम है, मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आज भी बहुत से इस तरह के रिश्तों में हैं, तो वहाँ बच्चों का क्या हो रहा है। अभी अगर खुल के आई है ये बात कि न्यायालय ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है, तो इसमें बात और रखी जाए कि जो कानून बने इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान दिया जाए। जैसे रेणुका ने कहा था, मैं जवाब उस जवाब नहीं हुआ था, वो एक जेन्युइन सवाल उठाया था। सवाल है रेणुका चौधरी का सवाल बहुत जेन्युइन था कि आप होटल में देखते हैं तो पुलिस कैसे करेगी। थोड़ा सा इसमें कानून को साफ करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके समाज में ये नहीं हो रहा है। और खासकर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, वो महिलाएं जो बहुत मोरालिटी की बात आपके सामने करेंगी, उनके परिवार में उनके घर में वो महिलाएं कर रही हैं, तो आप समझिए इसको आप रोक नहीं पाए हैं, कतई नहीं रोक पाए। और बच्चों पे उसका असर पड़ा है, बना है कानून को सही करने की बात आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि कैसे कानून बनाया गया उनको रोकने मेरा, के लिए मैंने पहले ही कहा था देखिए डिसेप्शन ना हो, अगर नहीं बन रही है तो ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जान लेना चाहिए अलग बना है, मेरा ये मानना डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। आप डाइवोर्स करके अपना परिवार अलग बनाए बच्चों के साथ, मतलब अगर मन नहीं मान रहा है, प्यार नहीं है, अफेक्शन हाँ। नहीं है, तो अपना अपना रास्ता अलग अपना अलग ले ले। फिर भी वो एक अलग बात आप जो कह रही हैं वो एक अलग बात है, अपना अलग रास्ता बना लिया। जो आप कह रही हैं वो एकदम अलग बात है। उस जनरेशन का पहले तो हम बात क्या अभी नहीं हो रहा है, क्या अभी नहीं हो रहा है, ये तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कितनी जगह बात चली गई, जितनी धाराएं हैं वो इसीलिए बनी कि समाज में वो घटनाएं होती हैं,
इसीलिए वो धारा बनी, उन्हें रोकने के लिए बनी। आईने ताहिरा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि विवाह संस्था जो है एक बहुत पवित्र संस्था होती है और हर धर्म के अनुसार से विवाह को अलग अलग परिभाषित किया गया है। विवाह संस्था पवित्र होती है, लेकिन विवाह संस्था, सुन ली, एक मिनट मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको, फिर आप ही से आंसर लूंगा। विवाह संस्था पवित्र होती है लेकिन उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत उद्यम भी करने होते हैं, उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा त्याग भी करना होता है, बहुत सारा अटैचमेंट भी होता है। ये केवल नहीं कि खाली हमारा, हम एक छत के नीचे रह रहे हैं तो पति अत्याचार करता रहे, पति सहती रहे उसको, वो एक अलग चीज है, या पत्नी कुछ करती रहे पति सहता रहे, दोनों तरह में वाइस वर्सा, वो एक अलग की चीज है। पहले आप फंडामेंटल पे तो बात कर लीजिए, ठीक है, न्यायालय ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है और न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया हम लोग भी उसका स्वागत कर रहे हैं, बात इसकी नहीं है। लेकिन बात इसकी है कि भारत के अंदर अगर मान लीजिए हिंदू कोई विवाह संस्था से करता है तो उसके तो ये संस्कार माने जाते हैं, मुस्लिम अगर करता है तो उसके लिए जो है संविदा मानी जाती है, क्रिश्चियंस में जो है तलाक नाम की चीज नहीं होती, उनके यहाँ नहीं माना जाता है, और हिंदुओं में इसे सात जन्म का रिश्ता माना जाता है। बावजूद इसके, ठीक है, पर वक्त काल परिस्थितियां बदल रही हैं। आप बताइए, एक एडल्ट्री सामने हो रही है और बच्चा देख रहा है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? आपने कभी ये सोचा है कि वो बच्चा किस रास्ते पर जाएगा? अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा सवाल है के सामने, अगर अब एक बहुत बड़ा सवाल है, सुनिए 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 सुनिए, नहीं ये खाना बड़ा सवाल है। भारत भारत एक संस्कार वाला देश है, हम इसकी तुलना जो है इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं कर सकते। ये एक अहम सवाल है, अहम सवाल है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा अगर माता पिता दोनों विवाहेतर संबंधों के बनाने के बाद नए परिवार बना लेते हैं तो? बिल्कुल ठीक बात है, प्रतीक सोम से इसका जवाब पूछेंगे। प्रतीक सोम, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया है इसमें, इसलिए कि इस बार आज का जो वर्डिक्ट था उसमें ये लिखा गया था कि ये कहा गया था कि महिला को शादी के बाद सेक्सुअल चॉइस से वंचित नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक जो जेन्युइन क्वेश्चन उठ रहा है कि पति और पत्नी इस धारा के खत्म होने के बाद स्वच्छंद हो जाएंगे। देखिए, दो तरीके से, या तो फैमिली में दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तो विवाह नाम की संस्था थोपी हुई है, या कहीं ना कहीं एक का अफेयर चल रहा है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से परिवार टूटता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में जहां केवल शौकिया अगर अफेयर चल रहा है तो वहां पे बच्चों का भविष्य कौन एंश्योर करेगा, कौन सुरक्षित करेगा, और उसको कैसे डिफेंड किया जाएगा उस फैमिली नाम की संस्था को, इस पर विचार करने की जरूरत है। सोम जी, देखिए, अभी आप इस चीज को समझिए, जब एडल्ट्री जो है अनकवर होती है, एडल्ट्री के बारे में पता लगता है, तो आज तक तो ये था कि एक एफआईआर दर्ज होती थी एडल्ट्री के अंदर और एक डाइवोर्स की पिटीशन चलती थी जी। अब जब ऐसी चीज किसी के संज्ञान में आएगी तो हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स की पिटीशन तो कोर्ट के अंदर डालेंगे, और जब वो डिसाइड करते हैं कि डाइवोर्स लेना है तो बच्चों के बारे में जरूर कोर्ट डिसाइड करती है, उसके अंदर अडॉप्शन का एक अलग से गार्जियनशिप का केस डलता है कि जिसके अंदर हस्बैंड या फिर वाइफ गार्जियनशिप केस डालती है कि भाई मैं अपने साथ बच्चों को रखना चाहती हूँ या आदमी अपने साथ बच्चों को रखना चाहते हैं, उस केस में भी अडल्ट्री को ग्राउंड बनाया जाएगा कि भाई फलाना ने, इस आदमी ने अडल्ट्री करी और मेरे को लगता है मैं इसके साथ नहीं रह सकती तो मैं तलाक चाहती हूँ, साथ में अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ। ऐसे ही आदमी के पास भी ये अधिकार है। कपीस जी जो बात कह रहे हैं, प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए, कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि भाई एक आदमी के खिलाफ क्यों कानूनन, क्यों क्रिमिनल ऑफेंस, दोनों के खिलाफ क्यों नहीं? जब आप हर जगह पे इक्वल फुटिंग की बात करते हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, राइट टू इक्वालिटी है, आप 150 साल पुराने कानून को लेके घूम रहे हैं कि भाई जब दो आदमियों ने अपराध किया तो एक आदमी को उसकी सजा क्यों? इसीलिए इसको आज स्ट्राइक डाउन किया गया, और जैसे मैंने पहले कहा, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, वो फिर से एक्ट को लाए और दोनों को इसके अंदर प्रोसिक्यूट करने के प्रोविजंस दे। बिल्कुल ठीक बात है, बात है, वो तो आप गार्जियनशिप का केस डालिए और आपको लगता है कि भाई आप गार्जियनशिप ले सकते हैं बच्चों की, तो आप गार्जियनशिप लीजिए, आप नए रिलेशन में जाना चाहिए। मेरा पक्ष समझिए कि भाई पति ने अलग विवाह संबंध बनाया, अलग परिवार बना लिए, और पत्नी ने अलग बना लिए,
तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पर भी व्याख्या करना चाहिए। बहुत बार माने लिया है कस्टडी, बहुत बार दीजिए, आप देखिए पढ़िए, बहुत बार माने लिया, बहुत बार पिटाने लिया। जब नहीं लोगों दो बालिकों पे तो दो बालिकों पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चे का प्रश्न, आप उनके, आप बच्चों का पद कैसे प्रस्तुत कर रही हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जिसको माँ बाप दोनों अच्छा एक बात बताइए बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नहीं एक बात बताइए, एक बच्चे को आप कैसे सेंट्रलाइज ना करेंगे, आप क्यों अलग कर देंगे? सुनिए प्रश्न ये है कि वो बच्चों को तो माँ बाप दोनों चाहिए साथ, माँ का भी प्यार चाहिए, बाप का भी प्यार चाहिए, दोनों के संस्कार चाहिए। आप ये सोचे कि आप किस दिशा में लेकर बिल्कुल। प्रतीक सोम जी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रिंस लेनिन और प्रदीप सिंह जी, सबसे ये एक अहम सवाल करता हूँ। सबसे पहले प्रिंस लेनिन से सवाल करूंगा मैं और प्रतीक सोम से। एक मैं सिचुएशन आपको एक बता रहा हूँ, उस सिचुएशन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए जो रेणुका चौधरी ने जो सवाल उठाया था कि पुलिस पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी अगर कोई विवाहेतर संबंध बनाने के लिए किसी होटल में जा रहा है और वहां पे पुलिस रेड करती है, पुलिस पकड़ती है। दूसरी बात, एक बहुत अहम सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि पति और पत्नी दोनों, उनमें आपस में अच्छी ट्यूनिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पति का विवाहेतर संबंध है और पत्नी को उसके बारे में पता चल जाता है, पत्नी को उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो पहली बात ये, जब 497 खत्म हो गई तो अपराध तो होगा नहीं ये। और पति और पत्नी, अगर मान लीजिए पत्नी उसको छोड़ना चाहती है, पति नहीं छोड़ना चाहता है, फिर क्या होगा? उस कंडीशन में परिवार कैसे बचेगा? इसको जरा डिफाइन कीजिए, एक लेमैन के लैंग्वेज में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप इसको डिफाइन कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, पुलिस, रमन जी पुलिस के जी, प्रतीक जी बोलिए, प्रतीक जी बोलिए। अच्छा चलिए बोलिए प्रतीक जी। जी रमन जी, पुलिस के पास एब्सोल्युटली कोई पावर नहीं है कि अगर कोई आदमी और औरत होटल में उनको मिलते हैं और वो उसके अंदर कोई भी उनके ऊपर ऑफेंस लगा सके। पहले भी आपकी पुलिस क्या करती थी, अडल्ट्री जो है, अडल्ट्री बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है सारा। आप पूरे इंडिया के अंदर ये सिस्टम है, पुलिस बिना मुकदमा दर्ज करे पुलिस इसके अंदर कंप्लेनेंट बन भी नहीं सकती थी। कंप्लेंट सिर्फ उस औरत का हस्बैंड कर सकता था। पुलिस के पास कोई पावर ना पहले थी, ना कोई पावर आज है। वो तो ब्लैकमेलिंग ऑप्शन करते हैं और पैसा उगाही का एक तरीका है। बिल्कुल। तो अडल्ट्री के कानून हटने के बाद भी पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। वो समलैंगिक संबंध बनाए, वो आउट ऑफ मैरिज संबंध बनाए, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस ये आज है ही नहीं। जी प्रिंस लेनिन, देखिए जो बातें इसमें दो आई हैं, एक तो आपके पैनलिस्ट में बड़ा डिबेट हो रहा है बच्चों को पे असर को लेकर के। जी मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि कौन से माँ बाप या कौन से वो हस्बैंड वाइफ हैं जो बच्चों के सामने ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं? आप बच्चों को नहा किस डिबेट में घसीट रहे हैं? जहां पे ऐसी हरकतें होती हैं उनकी वजह से डाइवोर्स हो रहा होता है, तब तो बच्चों की लाइफ पे जाकर के असर पड़ता है। कोई माँ बाप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी से भटक के कहीं और अपना मन लगाते हैं तो बच्चों पर असर हो रहा होता, तब आप न्यायालय के समक्ष पहुंचते हैं। तो न्यायालय तो देखभाल करता ही है, न्यायालय तो फैसला देता ही है, जिसको दोषी पाता है उसको उसकी जिम्मेदारी से हटाता है और जो इसको जिम्मेदार पाता है उसको न्यायालय बच्चों की सुपुर्दगी सौंपता है, बच्चों के वेलफेयर की बात करता है, उनके लिए मेंटेनेंस वगैरह रखता है। तो ये नौबत कहाँ आती है और आप इसको कहाँ पे गुमराह कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ये दो पक्षों के बीच का एक मसला था जिसपे कोर्ट ने आज इसको भी क्लियर कर दिया कि दो पक्ष अगर अपनी सहमति से कहीं भी कोई भी अगर इस रिलेशनशिप में है तो वो उसको अपराध से क्षम्य कर दिया है। नहीं, पहले भी था कंसेंसुअल रिलेशनशिप, अगर सेक्स है तो वो अपराध रेप में नहीं आता है, वहां से बरी हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट रिकॉग्नाइज कर चुकी है। तो आपकी सोसाइटी जिस तरह से खुलती जा रही है उसमें आप जो रूढ़िता और जो पुरानी चीजें जो अभी भी बांधना चाह रहे हैं वो अब आज के समय में नहीं चलता दिख रहा है। नहीं, मैं, और मैं... बच्चों के लिए अगर जो भी माता पिता, जो पति पत्नी जो जिम्मेदार हैं अगर जागरूक हैं तो ऐसी परिस्थिति आपकी पारिवारिक जिंदगी में आएगी ही नहीं। अच्छा मैं जो दूसरी जिम्मेदारी से हटता है तो अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व वही रहता है। बिल्कुल, देखिए व्यक्ति की वजह से उसके परिवार के ऊपर ऐसी आंच आती है, बच्चों का भविष्य नष्ट होता है। लेकिन आप अगर एडल्ट्री को बच्चों से डायरेक्टली आप रिलेट कर रहे हैं तो कौन पेरेंट्स होंगे जो एडल्ट्री अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कि बच्चे डायरेक्टली एडल्ट्री से आपके अफेक्ट हो रहे हैं?
अच्छा एक बात बताइए, एक 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 डाइवोर्स हो रहा है तो बच्चों की लाइफ, अच्छा बच्चों नहीं अलग हो है, अरे प्रिंस जी आप बात की वजह से हो रही है, अरे प्रिंस जी आप की वजह से हो रहा है, नहीं नहीं आप मामले को दूसरी तरफ लेके चले गए, साफ और स्पष्ट सुनिए, हमारा कहना इतना है कि महिला और पुरुष दोनों ही विवाहेतर संबंधों में एक नए परिवार की तरफ बढ़ते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य अभी अधर में खड़ा है, इनके भविष्य का क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है और ये हमारी चिंता है। अरे जब डिवोर्स कर देते हैं और ये परिवार की जिम्मेदारी से हट रहे हैं, संबंधों में परिवार की तरफ पढ़ रहे हैं, आप उसको अभी से अपना परिवार का पैजामा कहाँ से पहना दे रहे हैं, परिवार का पैजामा क्यों नहीं पहनाएंगे प्रिंस जी, आप ये बदलाव संबंध अगर बन रहे हैं, ये कैसे निर्धारित होगा, परिवार का पैजामा दोनों पढ़ रहे हैं, माता और पिता दोनों नए परिवार की तरफ पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, देखिए 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 एक सवाल, एक सवाल सुनिए सुनिए सुनिए, पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ यही है कि ये खुला, अच्छा एक बात बताइए इसकी स्केल कितनी होगी, कोई निर्धारित करे, अच्छा मुझे मुझे समाज खुल जाना चाहिए, समाज बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, ये आखिर किस तरीके से, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, एक बिल्कुल ठीक बात है, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मनुष्य के अंदर विवेक होता है, उसके अपने संस्कार होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्र स्वच्छंद होता है तब तो वो पशु होता है, तो आप कितने स्केल तक खुलना चाहते हैं, अच्छा ये अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्केल तक और किस लिमिट तक खुलापन समाज में एक्सेप्टेबल होगा परिवार नाम की संस्था को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, इसीलिए मैंने वो केस स्टडी एक तरह से आप लोगों से डिस्कस की थी, एक हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनेशन है कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से दोनों में से किसी एक का विवाहेतर संबंध हो, दोनों की पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर उसकी वाइफ का किसी से विवाहेतर संबंध होता है, चाहे वो किसी भी मोमेंट में होता है, चाहे अपने फ्रेंड से होता है, चाहे किसी भी तरीके से होता है, मान लीजिए पति को पता चल जाता है और पति इस आधार पर उसको तलाक देने का फैसला करता है कि उसकी वाइफ का संबंध किसी और से है, लेकिन पत्नी नहीं तलाक देना चाहती है, ऐसी कंडीशन में परिवार का भविष्य क्या होगा, इसलिए कि देखिए उनकी सेक्सुअल चॉइस से वंचित तो नहीं किया सकता, कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये सेक्सुअल चॉइस जो है ये पति के बीच में जो गैप है या उसके रिलेशंस का गैप है उसकी वजह से हुई या फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हुई जो कि शौक से उत्पन्न हुआ। सोम जी 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 देखिए इसके अंदर बहुत क्लियर है कि ये कोर्ट ये कहता है कि ये पर्सनल चॉइस है, अगर हम इसको लेके चलें कि पहले भी ये पर्सनल चॉइस एक्सरसाइज होती थी लेकिन प्रोसिक्यूट होता था एक जेंडर, अब जो है उसके अंदर चेंज हो गया है, अब कोई इसके अंदर प्रोसिक्यूट नहीं होगा, अगर आपको किसी दूसरी पार्टनर को ग्रीवियंस है तो आप डाइवोर्स के लिए जाइए, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हमेशा ओपन है, तो पहले भी था डाइवोर्स के लिए जाने का भाई, एक और अडल्ट्री के अडल्ट्री जी जी अडल्ट्री वो तो पहले भी अडल्ट्री जो है वन ऑफ ग्राउंड पहले ही था, आज जिस चीज अगर कोई पुरुष या महिला जारता में जी, लेकिन आज जिस ग्राउंड को खत्म किया है आप और हम दोनों ही न्यायालय के अंदर भी अडल्ट्री को या किसी नारी पे आरोप लगा देने से आप साबित नहीं कर सकते हैं, इतने आसानी से आपको तलाक मिलने वाला नहीं है, ये भी तो आप जो प्रैक्टिकल एक प्रोसेस जो मैंने सवाल पूछा होना पड़ेगा नहीं इस पे भी आपको समझना, जो मैंने सवाल पूछा उस पर प्रकाश डालिए, देखिए आप लोग वकील हैं तक होनी चाहिए, आप लोग वकील हैं कानून के जानकार हैं, खुलापन होना चाहिए ये कौन तय करेगा, ताहिरा जी जो मैंने सवाल पूछा जी, आपने जो सवाल पूछा उसमें अगर महिला नहीं देना चाहती तो मेरा मानना है कि अभी जो मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि कानून में थोड़ी सी सफाई की बात की जा सकती है, लेकिन कानून अच्छा है दोनों को, पहले एक को पनिश किया जा रहा था एक को नहीं, और बहुत सी जगहों पे मैं कहती हूँ पति खुद इन्वॉल्व होते थे, बहुत सी जगहों पे आप पता करिए, तो वहां पे पति का जो इस तरह से कि ऑफेंस नहीं, अगर पति कंसर्न दे रहा है तो वो चीज खत्म की, तो ये इसलिए इसका वेलकम करती हूँ, लेकिन अगर पत्नी नहीं देना चाहती तो उसमें अगर रिपेंट करते कोई भी पति पत्नी या उनको अपने परिवार से उनको फिर लगता है कि नहीं
मुझे साथ रहना है, तो उसमें बातचीत करके मुझे लगता है गुंजाइश देना चाहिए जी, गुंजाइश वापस आने की रखनी चाहिए। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं जी, और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जिसमें आप कह रही हैं बार बार कि बहुतायत संख्या में ऐसा होता है कि पति भेज देते हैं, ये गलत है, ये एक्सेप्शनल होता है। हम लोग तो रोज मामले को न्यायालय के अंदर देख रहे हैं और देखते हैं कि आंख से छुपी छुरी चीजें की जाती हैं। आप हमको एक बात बताइए, प्रेम और स्नेह से परिवार चलता है या वासना से परिवार चलता है? अगर आपको चुनने की बात आएगी कि आप किसी सेक्स के साथ सेक्स करें और आप वो करें, आप चुनेंगी अगर, तो आप सैकड़ों से कर सकती हैं। तो न्यायालय, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि इसकी एक परिधि तो आप डिसाइड कर दें कि कितनी स्वच्छता होनी चाहिए सेक्स को चुनने के लिए, सेक्स के लिए परिवार ये कितना होना चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए मैंने ये बात क्योंकि विवाह केवल सेक्स के लिए नहीं होता, नहीं नहीं सेक्स की बात ही मैंने, हिंदू धर्म के अंदर वंश की उत्पत्ति के लिए होता है, हिंदू धर्म के अंदर वंश की उत्पत्ति के लिए विवाह संस्था बनाई गई है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, ये तो संस्कारों को छोड़ देने वाली बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। परिवार बना, हम अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, अमेरिका में तो भाई और बहन तक के रिश्ते बन जाते हैं, उनको आप छोड़िए, उनको दरकिनार कीजिए, जिम्मेदारी का एहसास होता है। और निश्चित तौर पर जो अब फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला और पुरुष विवाहेतर संबंध बनाने के बाद जब तरफ पढ़ते हैं तो एक नए परिवार की तरफ पढ़ते हैं, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, ये देश अगर भगवान राम को अपना आराध्य मानता है तो ये बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अग्नि परीक्षा ली थी, उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आपको दोनों को पेनलाइज करना चाहिए था इसके लिए। मेरा ये नहीं, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न क्या है कि अगर महिला और पुरुष दोनों अगर विवाहेतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, जैसा कि अभी चिंता व्यक्त की थी प्रदीप जी ने कि उनके बच्चों का क्या होगा अगर वो नए परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर नए परिवार की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं वो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ धारा 497 खत्म कर दी गई, और सिर्फ अगर मान लीजिए पति का, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि पति का अफेयर है, उससे त्रस्त होके पत्नी का भी अफेयर हो गया कहीं, इसलिए कि पति ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस केस में जबकि दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और दोनों के विवाहेतर संबंध हैं, कानून उनका कुछ करेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में नए परिवार की संकल्पना तो होगी नहीं, इसलिए कि उनका जहां जहां संबंध है उनके भी अपने संबंध होंगे, कहीं उनकी भी अपनी फैमिली होगी, तो परिवार नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परिवार नाम की संस्था का क्या होगा कि उसी छत के नीचे बच्चे रह रहे हैं और माँ कहीं और जा रही है और बाप कहीं और जा रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। माता पिता भी घर में, बूढ़े बुजुर्ग भी घर में होते हैं, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते जी। नहीं देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं कि जिसमें अगर इस तरह का, कहीं आपका पहला प्रश्न था कि अगर महिला नहीं तलाक देना चाहती है और लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति एग्जिस्ट करती है तो ये तो एक ग्राउंड है ही है इटसेल्फ, अगर ये प्रूव होता है कोर्ट के सामने तो उसमें तो महिला के चाहने ना चाहने से प्रूव ही तो नहीं होता, क्योंकि दो लोगों के बीच ये एक कमरे के अंदर बना हुआ रिश्ता होता है, ये प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। प्रिंस लेनिन जी, प्रिंस लेनिन देखिए आज आपके पास अनेक तरीके हैं जिससे आप स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करेंगे, आप कैमरा लगा करके करेंगे, आप कैमरा लगा करके करेंगे, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं कैमरा लगा के कोई अंदर घर के अंदर ये काम नहीं करता है, रहते हैं पति पत्नी के बीच स्थापित होते हैं संबंध तो भी नहीं करता है कि क्या हो रहा होता है आजकल, ये साबित कर पाना आसान काम नहीं है, बीच में क्या हो रहा होता है, कहीं किसी का ड्राइवर दिखा देता है, कहीं किसी का अर्दली दिखा देता है। बड़ी बात यह है कि व्यापकता की तो बात अपनी जगह ठीक है, स्टूडियो में बैठ के हम बड़ी उनके परिवार देता की बात कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए अपने ही परिवार में अगर गुजरे तो हमारी स्थिति दूसरी हो जाएगी। बात प्रतीक सोम जी, प्रदीप जी आपका रिएक्शन। कपिल जी देखिए आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप रिव्यू पिटीशन में जाइए और अपनी पार्टी की तरफ से, देखिए ये प्रत्येक भारतीयों का अधिकार है, नहीं सुन लीजिए, ये लीगल राइट है, ये प्रत्येक भारतीय का लीगल राइट है, आप बता रहे हैं आपके बताने से आदमी जाएगा या नहीं जाएगा तय होगा, सुन लीजिए पहले बात एक परिचर्चा की हो रही है, इस पर आप अपनी बात रखिए, हमारा ये लीगल अधिकार है, आप क्या करते हैं तो हम आएंगे, वो आपके कहने से थोड़ी पहले बात, लेकिन आप बात रखिए, आप बात बताइए ना कपिल जी,
बात तो सुन लीजिए, एक तरफ आप मेरी बात सुनिए, आप एक तरफ तो आप बात करते हैं कि आपकी आपकी पर्सनल चॉइसेस है आपका पार्टनर चूज करने के लिए, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चूज करने के लिए, राइट टू प्राइवेसी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या ये कह रहे हैं कि पर्सनल चॉइस आप अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए नहीं करना चाहते, तो या तो आप राइट टू प्राइवेसी ले लीजिए या आप अपनी पर्सनल चॉइस ले लीजिए। पत्नी के साथ राइट टू प्राइवेसी दूसरी चीज होती है, पराई महिलाओं के साथ दूसरी चीज होती है। आप जो उसका निर्वचन कर रहे हैं वो अनुचित है, आप उसका उस तरह से निर्वचन मत कीजिए। तो एक है, एक तो परिवार में एक अपनी वाइफ एक वाइफ के साथ जो है वो संभोग की क्रिया करना, एक बाहर के साथ करना, वो नहीं नहीं बात वो देखिए, ये विधिक अधिकार है प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक को प्राप्त है कि वो कब चाहेगा कब वो रिट पिटीशन डालेगा, डालेगा नहीं डालेगा वो आपके कहने से नहीं डालेगा, लेकिन उचित मंच पे अपनी बात आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी एक व्यू है, आपका भी एक व्यू है। जी, महिलाओं की बात पे देखिए हमेशा इस तरह से होता है, मेरा मानना जैसे मैंने कहा डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, अगर किसी पत्नी को लगता है कि वो नहीं रह सकती, कोई वजह है, बहुत वजह है, एक वजह है, मुझे लगता है कि इसके इस पे नहीं, वो नहीं रह सकती, वो तलाक ले, लेकिन इसके लिए क्या वो अवैध रिश्ते बनाएगी, ये तो बात समझ में नहीं आता कि तलाक ले, वो तलाक ले, वो किनारे जाए अपना अवैध, आप दूसरे से शादी कर ले, तीसरे से शादी कर ले, तलाक तो उसका हस्बैंड लेगा ही। हां, इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? अभी तो डिस्पेरिटी तलाक में भी है, हम लोग सब अभी तो डिस्पेरिटी तलाक में भी है, आपको 9 ही अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को 11 अधिकार प्राप्त है तलाक में, के तलाक के आधारों में, उसको छोड़िए जाने दीजिए। अभी जिस पर देखिए महिलाओं के प्रति कितनी प्रताड़ित रही है, देखिए आज भी आपका पुरुष प्रधान समाज से प्रूव करना ही मुश्किल है। हां, यही तो मैं कह रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि एडल्ट्री प्रूफ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये बंद कमरे के अंदर रिश्ते बनते हैं, एडल्ट्री प्रूफ नहीं की जा सकती, यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल आप मेरी बात कह रहे हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूं, एडल्ट्री प्रूफ नहीं की जा सकती है, इस आधार पे तलाक ले पाना। चलिए, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दायरा हसन जी, प्रतीक सोम जी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रिंस लेनिन और प्रदीप सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भारत बदल गया है, वक्त बदल गया है, और वक्त इसलिए भी बदल गया है कि आज की तारीख में आज का युवा भारत का बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, और डेफिनेटली ऐसे कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। 150 साल पुराना ये कानून, ये धारा खत्म की गई, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।